नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, इनमें कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जो कि हमेशा मीडिया की नज़रों में रहते हैं, या यूं कह लीजिए कि मीडिया वाले जो हैं उन पर हमेशा नज़र बना के रखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसके बाद उन पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी भी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव की। इन दोनों एक हाल ही में, यानी कि बीते दिन वो एक शादी समारोह में पहुंचे थे। ये भोजपुरी फिल्म निर्माता के बेटे की शादी समारोह में पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुलाकात की और साथ ही फ़ोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लगी। दर्शकों को इसका काफ़ी यानी कि ढेर सारा प्यार मिलने लगा। दर्शक जो थे वो काफ़ी रिएक्ट भी करने लगे। आपको बता दें कि हाल ही में एक रियलिटी शो आया था बिग बॉस, जिसमें कि खेसारी लाल यादव ने इस बात को स्वीकारा था कि वो दोनों, यानी कि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव जो हैं वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद इस तरीके से शादी समारोह में पहुँचना और दोनों का एक दूसरे से गले मिलकर मुलाकात करना और उसके बाद उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालना, जिसके बाद ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी वायरल हो गई। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और हॉट एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को काफ़ी लंबे समय के बाद एक साथ देखा गया है। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले खेसारी और भोजपुरी की कंट्रोवर्सी क्वीन अक्षरा को एक साथ देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि शुरुआत में दोनों के बीच अफेयर की खबरें सामने आई थी। हाल ही में खुद खेसारी ने भी छोटे पर्दे के सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस में इस बात को स्वीकारा था कि उनके और अक्षरा के बीच रिलेशन था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। अब दोनों को एक साथ देखकर इंटरनेट पर बवाल मच गया है। अक्षरा और खेसारी की मुलाकात की तस्वीरें काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। पवन सिंह से खराब रिश्तों के कारण अक्षरा सिंह और हाल ही में मीडिया में अपने कुछ बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले खेसारी का यूँ एक साथ देखकर लोग इंटरटेन हो रहे हैं। खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इसके बाद साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। दोनों के मिलाप से इनके फैंस खासा खुश हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें भोजपुरी फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा के बेटे और बन्नो तेरा स्वैगर फिल्म स्वाति शर्मा के भाई राहुल की शादी समारोह की है। वीडियो में अक्षरा और खेसारी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का जमावड़ा देखा जा रहा है। अक्षरा और खेसारी के बीच मुलाकात के समेत भोजपुरी के दिग्गज एक्टर कुणाल सिंह, निर्देशक पराग पाटिल, अभिनेता पद्म सिंह, कुलदीप श्रीवास्तव, दीपक रुइया और PR रंजन सिन्हा सहित कई फिल्मी सितारों भी समारोह में देखे गए। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदीप शर्मा हमारे लिए परिवार की तरह हैं और उनका परिवार मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। मेरे जीवन के सभी अच्छे काम इसी परिवार से हुए हैं। फिल्म डमरू से लेकर लिट्टी चोखा तक इनके साथ काम किया। आज उनके बेटे की शादी सभी के लिए खुशी का माहौल है। हमें राहुल पर गर्व है। वर वधु को पूरी इंडस्ट्री की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। बता दें, दोनों सितारों ने एक साथ कई हिट फिल्में भी दी हैं जो दर्शकों को आज भी याद है। यूँ तो शादी समारोह में फिल्मी सितारों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन जो फिल्मी सितारा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा वो था अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव का वो फोटो, वो वीडियो जो कि इन दिनों, यानी कि बीते दिन के बाद काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी दर्शक उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ दर्शक कमेंट भी कर रहे हैं कि इन दोनों को देखकर उन्हें एक बार फिर से अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस खुशी के मौके पे जब अपने परिवार के किसी बच्चे की शादी, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो मैं इस परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इनकी जिंदगी सुख में गुजरे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और मेरे बच्चे, छोटे बच्चे खेसारी जी को कहता हूँ दो शब्द। देखिए, सबसे जितने भी मेरे यहाँ पे आए हुए जितने भी गार्जियन स्वरूप हैं, सबको पहले चरण छू के प्रणाम करता हूँ, एक आशीर्वाद ताली बजा कर देते।
और ये परिवार मेरे लिए इतना अहमियत रखता है कि मेरे जीवन के जितने भी अच्छे काम हुए इसी परिवार से हुआ है। अभी मैंने डीडी चो का किया, एक बहुत अच्छी सिनेमा मैंने प्रदीप भैया का किया था जिसका नाम था डमरू, और आज एक दूल्हे का शादी नहीं हो रहा है, एक लड़के का शादी नहीं, एक हीरो की शादी हो रही है। और हम लोगों ने तो भोजपुरी में काम किया है, और हमारे परिवार का एक ऐसा बच्चा है हमारे लिए तो भाई की तरह है, ऐसे तो उनको मैं भैया बोलता हूँ, तो भतीजा के हिसाब से हुए, लेकिन हम दोनों की उम्र सेम है इसलिए हमारे भाई की तरह है। तो इन्होंने हिंदी सिनेमा तक किया है, और इस परिवार को जोड़ने के लिए आप सब बटिया पार्टी को दिल से धन्यवाद हम पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से कि आप लोगों ने हमें उस काबिल समझा कि आप अपने घर की अनमोल रतन हमारे घर पहुँचा रहे हैं। और एक हमारी बिटिया रानी है जिन्होंने अभी कई सारे सिनेमा में इन्होंने मेरे लिए सिंगिंग भी किया है, इन्होंने गाना भी गाया है। तो ये परिवार एक संगीतमय है, प्रदीप भैया हमारी भाभी माँ, ये पूरी फैमिली खेसारी की है, और हमारे भोजपुरी के महानायक नहीं समझ लीजिए कि भोजपुरी के हाईवे हैं ये, इनके ही बनाए हुए हाईवे पे हमारी सब गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे फॉर्च्यूनर हो। तो हमारे सौभाग्य है जब इसे शादी के अवसर पे आप सबका प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हजारों हजार वर्ष हमारे परिवार की जोड़ी ऐसे ही हम सबको एक बंधन में बांध के चले, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। सबको दिल से धन्यवाद।